राजा चौधरी अमन सिंह जी जिन्होंने बिहार और वेलफेयर रखते हैं चौधरी अमन सिंह जी अमन सिंह जी बिजनौर से चौधरी अमन सिंह जी बिजनौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जंतर मंतर पर हो रहे जाट आरक्षण के अध्यक्ष यशपाल जी। जगबीर भैया देखिए हमारी मांग पूरे देश के जाटों को केंद्र में आरक्षण और जिन प्रदेशों में आरक्षण नहीं है हरियाणा का आरक्षण अभी कोर्ट में वो हो और देश भर में जो जाटों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे उनकी वापसी हो इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ ये एक दिन का सांकेतिक धरना रखा और अगर 10 फरवरी से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो देशव्यापी जाट आरक्षण आंदोलन की फरवरी में शुरुआत की जाएगी। आप इससे पहले भी कई दफा बहुत बार पिछले 12 साल हमने लगाए और उसके बाद आरक्षण मिल गया था 2014 में 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले के कारण वो निरस्त हुआ और उसके बाद 26 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने हमें खुद अपने घर पे बुलाया जाट समाज के लोगों को सांसदों को और मंत्रियों को और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की वजह से ही हम सत्ता में आए हैं हमारी पार्टी और हम आपको कानून बना के आरक्षण देंगे। 4 साल हमें हो गए और सरकार अगर उसमें कुछ नहीं करेगी तो निश्चित रूप से 2019 का चुनाव 132 लोकसभा सीट 13 राज्यों में जाट समाज प्रभावित करता है जिनकी वजह से आज ये सत्ता में बैठे हैं। निश्चित रूप से इनका वोट मांगनी दूभर हो जाएगी उन राज्यों में और फरवरी से जो आंदोलन की शुरुआत होगी वो देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और बहुत से लोगों को किसानों को युवाओं को बेरोजगारों को तमाम लोगों को उसमें साथ लेकर वो आंदोलन शुरू किया जाए। आंदोलन फिर से वैसा होगा जैसे पहले हुआ? नहीं, पहले तो सरकार ने कराया था। जो हिंसा 2016 की बात आप कर रहे हैं हम बार बार कहते हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ एयर बी टीम बना के कुछ जाट मंत्रियों के जो उनके मंत्रिमंडल में है ओम प्रकाश धनखड़ के मोसा ने शुरू कराया था और उसके बाद जो कैप्टन अभिमन्यु है सुभाष बराला है राजकुमार सैनी है जाट समाज कभी भी हिंसा में विश्वास रखने वाला समाज नहीं है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से रखेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो 10 फरवरी को ये बहुत ही बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं पूरे देश भर में। दिल्ली से लोकेश गोस्वामी के साथ विशाल मल्होत्रा 10 न्यूज। थोड़े शब्दों में अपना मैसेज है।